रदौर के बुपका गांव के कुछ लोगों द्वारा हनुमान मंदिर के नाम से ट्रस्ट बनाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आज इस ट्रस्ट को रद्द किए जाने को लेकर सरपंच पक्ष एसडीएम रदौर पूजा चावरिया से मिला। गांव बबुका के सरपंच सुनील कंपोज ने इस बारे एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर ठाकुर द्वारा हनुमान मंदिर ट्रस्ट को रद्द कर उसके स्थान पर गांव के सभी लोगों की सहमति से नई ट्रस्ट की कमेटी बनाने की मांग की है। गाँव के ही कुछ शरारती लोगों ने फर्जी तरीके से चुपचाप किसी को सूचना नहीं देगी, ना गांव के नंबरदार को, ना मौके की पंचायत को, ना किसी पूर्व सरपंच को, गुपचाप तरीके से एक ठाकुर द्वारा की फर्द निकवाला कर तहसील से विनोद कुमार एडवोकेट ने अपने नाम ट्रस्ट बना लिया और ट्रस्ट का प्रधान बन गया, जिसका पूरा गांव विरोध करता है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी भी सारे मेरे गाँव के नंबरदार मेरे साथ हैं और सारे दोनों तीनों पूर्व सरपंच मेरे साथ हैं, यही मौके पर बैठे दो सरपंच तो, और ये गाँववासी हैं, ये इसका पूरा विरोध करते भी ट्रस्ट तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और पंचायत की मौजूदगी में और नंबरदारों को साथ लेकर के ट्रस्ट का गठन किया जाए, वो पंचायत करेगी, उसको पंचायत को अधिकार दिया जाए। क्या फैसला लिया, वो क्या कर रहे हो? हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं? हमने डीसी साहब को अप्लीकेशन दे रखा, तहसीलदार साहब हमारे को हर रोज झूठे झूठ बोलती है, भाई मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगी, 3 दिन हो गया उसके चक्कर लगा रहे, उसने कुछ नहीं किया अब तक। अब हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे अपनी दरखास्त लेकर। सरपंच साहब ने मेरे संज्ञान में ये लाया कि जो 4 एकड़ की ज़मीन गांव में है जहां पर एक हनुमान मंदिर बना हुआ है उसकी ट्रस्ट की रजिस्ट्री हुई है तहसील कार्यालय से, और वो रजिस्ट्री जो है वो गलत हो गई है, तो उसकी जांच के लिए मैंने बीडीओ साहब को लिखा है और उनसे भी टिप्पणी मांगी है अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, और जैसे भी जो भी कार्रवाई होगी उसमें करेंगे।